अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके लिए हम डिस्कस करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर, जो कि LCO 2 कहलाता है। फेज़ 2 इसका नाम दिया गया है बहरिया टाउन की जानिब से। पहले इसका नाम फेज़ 5 रखा गया था अनऑफिशियली, लेकिन ऑफिशियल इसका नाम जो लॉन्च किया गया है वो बहरिया ऑर्चर्ड LCO 2 इसका नाम है। इस वीडियो में हम आपको तमाम डिटेल बताएंगे। इनके ब्लॉक्स के नाम KL और M रखे गए हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाई जाएगी, करंट प्राइसेस आपको बताई जाएंगी, रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपको दिखाए जाएंगे, कमर्शियल प्लॉट्स की आपको प्राइसेस बताई जाएंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब के चैनल को, फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। ये हम आ रहे हैं बहरिया ऑर्चर्ड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, डी ब्लॉक डी फॉर डॉक्टर। ये डी ब्लॉक दिखाने का मकसद आपको ये है कि आपको पता लग सके कि ये ज्वाइंट हो चुका हुआ है, डी ब्लॉक में ये घर बन चुके हुए हैं, लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, कुछ घर यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये पुराना ब्लॉक है बहरिया टाउन का, बहरिया ऑर्चर्ड का। ये अब हम डी ब्लॉक से एंटर हो रहे हैं। ये मेन एंट्रेंस नहीं है, मेन एंट्रेंस भी आपको इसी वीडियो में दिखाई भी जाएगी और उसकी तमाम तफसील बताई भी जाएगी प्राइसेस के। ये डी ब्लॉक से हम एंटर हुए हैं। डी ब्लॉक के साथ ही बहरिया ऑर्चर्ड का ट्रांसफर ऑफिस है, जहाँ पे बहरिया टाउन की सारी ट्रांसफर होती हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट हो, चाहे वो कमर्शियल प्लॉट हो, चाहे वो घर हो। ये सी ब्लॉक के अंदर बहरिया टाउन का ट्रांसफर ऑफिस मौजूद है। सी ब्लॉक के साथ ही ये डी ब्लॉक के साथ इन्होंने ये कटिंग न्यू लॉन्च की है। के ब्लॉक है, एल ब्लॉक है और एम ब्लॉक इसका नाम है। ओपन फॉर्म्स थे यहाँ पे 5 और 8 मरले के, यहाँ पे इन्होंने रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए थे और 5 मरले के कमर्शियल प्लॉट्स दिए थे। अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी, जो कि शाहिद महमूद कुरैशी साहब कंट्री हेड है बहरिया टाउन के, उन्होंने यहाँ पे अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी की थी, ओपनिंग सेरेमनी। वो वीडियो भी फुल कवरेज के साथ हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो भी आप अपनी आंखों से देखिए। और ये वीडियो भी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। ये रोड्स आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, कारपेट हो चुकी हुई है। हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हुई हैं, कर रखी हुई हैं यूट्यूब के चैनल के ऊपर, फेसबुक के पेज के ऊपर। प्रीवियस वीडियोज़ आप जाकर देखें और ये वीडियोज़ देखें, 3-4 महीने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे डेवलपमेंट की है। आप खुद कंपैरिजन करें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। रेट्स यहाँ पे जो लॉन्चिंग प्राइस थी उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, और आज जो यहाँ पे 4 से 6 माह में जो प्राइसेस हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। आप खुद ही कंपैरिजन कर लीजिए कि कितना वाजे यहाँ पे इंक्रीमेंट आया है, कितना वाजे यहाँ पे लोगों ने अपने प्लॉट्स होल्ड करके गेन किया है। सिर्फ 3 और 4 महीने के अंदर अंदर ही बहुत ज़बरदस्त ये जो है वो इंक्रीमेंट आया है प्लॉट्स की प्राइसेस में। ये आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं। हम बार बार विजिट आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ का, डिफरेंट ब्लॉक्स का करवाते हैं, जो प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, जो प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं कैश के ऊपर, जो हाउसेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं ब्रांड न्यू या यूज्ड, उनकी वीडियोस, उनकी डिटेल आपके लिए लेकर आते हैं। आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, कंस्ट्रक्शन करवानी है, आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब आपको लिए चलते हैं बहरिया टाउन ऑर्चर्ड, जो आपको LCO 2 का विजिट करवाया जा रहा है। 5 मरले की जो प्राइसेस लॉन्चिंग प्राइस थी वो थी 33 लाख रुपया टोटल प्राइस थी। आज जो प्राइसेस चल रही हैं इस टाइम पे वो तकरीबन 40 लाख रुपए से लेके 55 लाख रुपए तक का प्लॉट यहाँ पे अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है, प्लॉट की कैटेगरी क्या है, पार्क फेस है, कॉर्नर है, बुलेवर्ड है। अब आप खुद देखें, खुद अंदाजा लगाएं, 10 से 15 लाख रुपया यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 5 मरले रेजिडेंशियल प्लॉट्स में। ओपन फॉर्म थे, ओपन फॉर्म का मैं आपको फ़ायदा बताता चलूं कि आपको पहला फ़ायदा यह है कि आपको फिज़िकली आने की ज़रूरत नहीं होती, ओपन फॉर्म होता है। आप दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप पहले अलॉटी होते हैं, डायरेक्ट आपके नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सोसाइटी की जानिब से। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई बायर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, CVT, स्टाम्प ड्यूटी, ट्रांसफ़र फीसिस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, आपको हज़ारों रुपये की नहीं बल्कि लाखों रुपये की बचत आती है।
चौथा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी मर्जी से प्लॉट चूज कर सकते हैं मैप के मुताबिक, मैप के अकॉर्डिंगली आपने कॉर्नर लेना है, बुलेवार्ड लेना है, कोई नंबर आपने अगर लेना है तो वो नंबर अगर अवेलेबल होता है तो वो आप अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंगली चूज करके उसको बुक करवा सकते हैं। ये ओपन फॉर्म के फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ओवरसीज के लिए या उन हजरात के लिए जो लाहौर में मौजूद नहीं है या लाहौर में मौजूद हैं भी और किसी वजह से नहीं आ सकते फिजिकली तो ट्रांसफ़र पे, तो उनके लिए ये ओपन फॉर्म वाला बहुत ज़बरदस्त एक सिनेरियो बहरिया निकालता है या दूसरी सोसाइटीज निकालती हैं, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जो फिज़िकली नहीं आ सकते या नहीं आना चाहते या वट एवर द रीज़न। क्योंकि हमारा काफ़ी जो है वो चैनल डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट लोग इसको देखते हैं, तो हम प्रेफरेंस यही करते हैं कि आसान अल्फाज में उर्दू ज़बान में आपको जो है वो समझाया जाए। उसके बाद बात कर ली जाए यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स की, तो जो कमर्शियल प्लॉट्स की यहाँ पे प्राइसेस चल रही हैं वो तकरीबन 1.60 से लेके 2 करोड़ रुपये तक की यहाँ पे 5 मरले के कमर्शियल प्लॉट्स की प्राइसेस चल रही हैं। जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो भी बहुत कम थी, कमर्शियल में भी तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए का इंक्रीमेंट आया है। अभी भी हमारे पास ओपन फॉर्म्स कुछ लिमिटेड तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। ट्रांसफ़र फॉर्म्स भी हमारे पास, ट्रांसफ़र प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। अभी भी ये इन्वेस्टमेंट का मौका है, बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर ये लोकेटेड है ब्लॉक। अभी यहाँ पे पोजेशन नहीं आया, सड़कें बन रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है और इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है। दूसरी मैं आपको इंक्रीमेंट की वजह इसकी बताता चलूँ कि ये अड्डा प्लॉट से तकरीबन 5 से 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर अवेलेबल है, लोकेटेड है। रिंग रोड से तकरीबन 10 से 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर भी ये लोकेटेड है ये वाला ब्लॉक। ये मेन एंट्रेंस गेट भी आपको दिखाया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है। ये मेन एंट्रेंस गेट बन चुका हुआ है, पिछली वीडियोस में आप देखें कंपेयर करें खुद ही तो ये डेवलपमेंट हो रही थी। ये कितना ज़बरदस्त स्पीड से इन्होंने यहाँ पे ये मेन गेट को कंस्ट्रक्ट किया है। लोकेशन का मैं आपको बता रहा था, लोकेशन की अगर बात कर ली जाए तो AWT Phase 2 इनके बिल्कुल इस सोसाइटी के अपोजिट है, इस ब्लॉक के अपोजिट है। स्विगर सोसाइटी Phase 2 इसके बिल्कुल अपोजिट है, 2 से 3 मिनट की ड्राइव के ऊपर ये सोसाइटीज़ अवेलेबल है। इसी तरह बहरिया टाउन की अगर बात कर ली जाए, जो मेन बहरिया टाउन है वो भी 4 से 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर ही अवेलेबल है। बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, डिफरेंट प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ओपन फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं और कुछ हमने अपने क्लाइंट्स को लेकर दिए थे जो कि रीसेल में मार्केट में अभी भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आपने अगर कोई प्लॉट यहाँ पे ख़रीदना है, आप सीरियसली अगर इसको प्रॉफिट को गेन करना चाहते हैं, आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियोस आपके लिए हमने बहुत सारी अपलोड कर चुकी हुई है यूट्यूब के चैनल के ऊपर, फेसबुक के पेज के ऊपर, आप रेफरेंस के लिए वो भी देख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।